दोस्तों, सुबह यानी दिन का वह समय जब हमारी सभी इंद्रियों में एक परिमित शक्ति और ऊर्जा होती है। हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी आत्मा एकदम तरोताजा महसूस करती है। परंतु यदि किसी कारणवश हम दुखी होते हैं और हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, तो इसका असर हमारी इंद्रियों पर भी पड़ता है। सुबह का समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत यदि तरोताजा होती है तो हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। शास्त्रों में भी सुबह का समय अति महत्वपूर्ण बताया गया है। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो सुबह उठकर यदि सबसे पहले किए जाएं तो हमारे पूरे दिन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पूरा दिन अच्छा गुजरता है। परंतु शास्त्रों में कुछ ऐसे कामों का जिक्र किया गया है जिन्हें सुबह उठने के बाद तुरंत भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पूरा दिन खराब गुजरता है और इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, यहां तक कि हमारे बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुबह उठने के बाद मनुष्य को भूल से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका प्रभाव हमारे मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। तो आइए जान लेते हैं कौन से वो काम है जो सबसे पहले सुबह उठने के बाद हमें करना चाहिए। सबसे पहला काम, अपने इष्ट देव को हाथ जोड़कर आराधना स्वरूप उनका नाम स्मरण और मंत्रोच्चार करना चाहिए, न कि किसी भी प्रकार के अपशब्द मुंह से निकालने चाहिए। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने के लिए प्रभु का स्मरण करना चाहिए। वाद विवाद तथा लड़ाई झगड़े में बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सुबह के समय हुए झगड़ों का हमारे मन मस्तिष्क पर पूरे दिन असर रहता है और हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता, बल्कि बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। दूसरी बात, आईना तथा परछाई। जिस प्रकार सुबह उठकर ईश्वर का नाम स्मरण करने से हमारा दिन शुभ होता है, उसी प्रकार ईश्वर के दर्शन करना कितना शुभ होगा। सुबह उठकर सबसे पहले स्वयं का या किसी और का चेहरा नहीं देखना चाहिए। इसी कारण वास्तु शास्त्र में बेडरूम में आईना लगाने से मना किया जाता है। इसके बजाय यदि सुबह उठकर अपने इष्ट देव के दर्शन करें तो इसके निश्चित शुभ परिणाम होंगे, क्योंकि शयन कक्ष यानी बेडरूम में ईश्वर की फोटो लगाना भी वर्जित किया गया है। इसका उपाय यह है कि आप सुबह उठकर सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर उसके दर्शन करके अपने इष्ट देवता को याद करते हुए अपने हथेलियों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि आपके कर के अग्र भाग में माँ लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में माँ सरस्वती और कर के मूल में परम ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण गोविंद का निवास है। तीसरी बात, कन्या का अपमान ना करें। कई लोगों की आदत होती है कि अपना सारा गुस्सा घर की महिला और बच्चियों पर निकाल देते हैं, उस पर हाथ तक उठा देते हैं, लेकिन ये किसी भी दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है। सुबह उठकर सबसे पहले घर की किसी महिला का अपमान करना माँ लक्ष्मी का अपमान करना माना जाता है। अगर दिन में ही आप लक्ष्मी का अपमान करेंगे तो लक्ष्मी आपके पास निवास करना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए सुबह उठने के तुरंत बाद अपने मन पर संयम रखें और घर की किसी भी महिला को किसी भी प्रकार का अपशब्द न कहें, नहीं तो ऐसे पुरुष को मां लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्र में सुबह सुबह क्रोध करना भी अनुचित माना गया है। सुबह उठते ही क्रोध करने पर इसका असर मनुष्य के मन पर दिन भर रहता है और उसका कार्य में मन नहीं लगता। इसके साथ ही उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। हर व्यक्ति उन्नति करने के बजाय औद्योगति करने लगता है। चौथी बात, तामसी आहार तथा धूम्रपान ना करें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आहार का हमारे मन, मस्तिष्क और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा आहार जितना सात्विक और पौष्टिक होता है, हमारा व्यवहार भी उतना ही सौम्य होता है। सुबह के समय वैसे भी भरपेट और पौष्टिक नाश्ता करने की सलाह दी जाती है। उससे भी यदि हमारे आहार में तामसी पदार्थ होंगे तो हमारा पूरा दिन प्रभावित हो सकता है। इसलिए कभी भी सुबह बासी या तामसिक आहार ना लें। वास्तु शास्त्र के अनुसार मनुष्य को सुबह उठने के तुरंत बाद किसी भी प्रकार के हिंसक तस्वीरें कभी नहीं देखनी चाहिए, जैसे कि युद्ध, हिंसक पशु,
या हिंसक अस्त्र, इन चीजों को देखने से इनका नकारात्मक प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है और उसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी बनने लगता है। इसके साथ ही पशु पक्षियों को देखना भी अशुभ माना गया है। तो दोस्तों, ये कुछ कार्य थे जो मनुष्य को सुबह उठते ही कतई नहीं करने चाहिए।